So silence, please. Silence. India is the leading producer of fruits and vegetables after China. Fruits and vegetables after China is the leading producer of vegetables and vegetables and fruits after China. India is the largest producer of mangoes and bananas.

Horticultural crops. India is the second largest producer of vegetables and fruits in world after China. After China, India is known for the largest production of mangoes and bananas. Its tropical and subtropical conditions. Its tropical and subtropical conditions. Tropical and subtropical conditions. Supported growth of variety of fruits, variety of fruits, variety of fruits, fruits produced in temp tropical areas, fruits which are produced in tropical areas are ryan, mango. परीक्षित कम फॉरवर्ड आगे आ जाइए मैंगो बनाना वॉइस क्लियर परीक्षित गांधी सो मैंगोस बनाना पाइनएप्पल गावा बेर जी यू एवी ए दक्ष गावाकू एक्सेट्रा टेम्परेट एरिया फ्रूट विच आर प्रोड्यूस इन टेम्परेट एरिया आर टेम्परेट एरिया स्ट्रॉबेरी लीची एप्पल ए डबल पी एल ई एल आई सी एच आए स्ट्रॉबेरी एस टी आर ए डब्ल्यू बी डबल आर वाय स्ट्रॉबेरी वॉलन हाँ जी एप्पल ए डबल पी एल ई dutch apple walnut w a w -L, l n u t apricots etc apricots etc apricots etc mangoes generally produce in मैंगो प्रोड्यूस इन मैंगो प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलंगाना उत्तर प्रदेश

नागपुर इन महाराष्ट्र चेरापूंजी चेरापूंजी सी एच -E, इन नागपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र चेरापूंजी सी एच ई -E डबल आर ए पी यू एन जे आई में प्रॉब्लम है चाहिए चेरापूंजी इन मेघालिया इन मेघालिया चेरापूंजी इन मेघालय एंड तेलंगाना, तेलंगाना 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 बनानास केरल, कोस्टल कर्नाटका कर्नाटका महाराष्ट्र सॉरी महाराष्ट्र तमिलनाडु तमिलनाडु एंड मिज़ोरम, मिजोरम लीची इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार से प्रॉपरली परीक्षित आगे आ जाइए बेंच उठा के बेंच उठाइए बच्चे नहीं जी उठाइए लीची बिहार उत्तर प्रदेश एप्पल्स जी एंड के हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश पाइन एप्पल्स दक्ष एप्पल और पाइनएप्पल में फर्क क्या पाइन एप्पल्स पाइन एप्पल्स असम मेघालय, असम मेघालय। असम मेघालय ग्रेप्स ग्रेप्स महाराष्ट्र तेलंगाना महाराष्ट्र तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश नी क्वेश्चन नो बडी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था वही पूछ लेते वीटी कल्चर वीटी कल्चर इज द प्रैक्टिस इन विच ग्रीव आर प्रोड्यूस फॉर माइन इंडस्ट्री वीटी कल्चर वी आई टी आई वी टी कल्चर डच वी टिकल्चर

इंडिया इज अडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रूटिटेबल का नाम तो लिया चले आगे सो इंडिया इट कॉन्ट्रीब्यूटीन परसेंट इन टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन वेजिटेबल प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड टोटल वर्ल्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडिया एज थर्टीन परसेंट One three Dutch one three, 13 vegetables produce his it is a practice not a definition the system in which grapes are produced for wine industry wine W I N E wine industry. लास्ट बॉय डेस्क को थोड़ा पीछे खींचो लास्ट बॉय डेस्क ले जाओ पीछे सेकेंड लास्ट ऑल्सो थर्ड लास्ट ऑल्सो और पीछे जाइए बच्चे वेजिटेबल्स जनरली प्रोड्यूस इन ऑल द थ्री एग्रीकल्चर सीजंस। थ्री एग्रीकल्चरल सीजन्स प्रोड्यूस इन थ्री एग्रीकल्चरल सीजन्बी सीजन पी ई ए एस डीस मतलब देना पी ई -E ए एस कॉमा कॉलीफ्लार कॉलीफ्लार क्या हुआ है आंसर देंगे आप देंगे कॉलीफ्ला पीस पोटैटो पोटैटो इन खरीफ सीजन खरीफ सीजन टोमैटो खरीफ सीजन टोमैटो tomato onion india is the second largest producer of onion second largest after pakistan onion cabbage cabbage brinjal produce in both kharif and rabi season brinjal produce in both kharif and rabi season जाायद जेडे आई डी जायद बीन्न एस एन जायद एग्रीकल्चरल सीजन बीन्स बीई ए एन एस एंड पोटैटो पोटैटो दक्ष पोटैटो ठीक है दक्ष क्षित गांधी सेट प्रॉपरलीक्स्ट क्रॉप आर द नॉन फूड क्रॉप नाउ नॉन फूड क्रॉप क्या कुकुंब राइड इन जायद कुकुंब सी यू सी यू एम बी आर दक्ष क्लियर जायेद एग्रीकल्चर सीजन में किया था थैंक यू नाउ नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप्स नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स आर रबर। रबर नॉन फूड एफ ओ डी फूड फ्रूट मत लिख देना फूड नॉन फूड क्रॉप्स रब रब कॉटन जूट सिल्क जूट सिल्क जूठ सिली हेम्प रब कॉटन जूट हेम्प एचई एम पी एक्सेट्रा these crops are produced in commercial farming in commercial farming which are basically produced for exports these crops generally produced for exports crops generally produced for exports

Fifth largest producer of rubber. Leading producer is a Thailand. Leading producer of rubber is Thailand. Dutch, Thailand. Are you Dutch? Thailand. India is the fifth largest producer of rubber which is grown in tropical as well as subtropical regions tropical as well as subtropical regions tropical as well as subtropical regions which consist warm and moist weather conditions warm and moist Weather conditions: warm and moist weather conditions. It is an industrial crop. Industrial crop. Rubber milk. Rubber milk or latex. Precip latex. Latex is perishable in nature, perishable in nature, perishable in nature, which require processing after their extraction, sudden processing after their extraction, extraction.

More than 200 centimeters soils. What kind of a soils are suitable, Dutch? Areas which are receiving more than 200 centimeters rainfall. What type of soils generally found in such areas of India? laterite deep letrite soils, deep letrite soils, which are rich in organic matter, manner, sorry, matter. ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर फेवरेबल फॉरेस्ट प्रोडक्शन रबर जन प्रोड्यूस इन कोस्टल केरला तमिलनाडु तमिलनाडु कर्नाटका कोस्टल केरला तमिलनाडु कर्नाटका मास्क मेघालय अंडमान निकोबार आइलैंड्स एटसेट्रा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नेक्स्ट आर द फाइबर क्राप्स फाइबर क्राप्स लास्ट कैटेगरी ऑफ क्राप्स फाइबर क्राप्स फाइबर क्राप्स हाँ जी मैंने कहा लास्ट कैटेगरी है इसके अंदर दो हैं कॉटन एंड जूट धवन पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाती चीजें जैसे मिल्क है जब वो मिल्क निकलता है रबर मिल्क निकलता है उसको प्रोसेस किया जाता है सडनली अगर नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा इट कैन बी यूज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ रबर ठीक है ना टायर्स में यूज नहीं होगी यस yes, बचे हाँ जी क्या था साथ, साथ समझा दिया करो मैं लिखवाई नहीं रहा आपको बता रहा हूं इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मैंने ये नहीं कहा आप लिखिए किसके पीई आर -E

राइटी ऑफ फाइबर क्राफ्ट प्रोड्यूस इन इंडिया लाइक कॉटन जूट जूट हेम्प एच ई एम पी भांग जिसको कहते एच ई एम पी हेम्प सिल्क सिल्क tropical weather conditions tropical weather conditions of india tropical weather conditions of india favorable for favorable for fiber crops its commercial agriculture production of fiber crops under commercialization of agriculture under commercialization of agriculture production of fiber crops under commercialization of agriculture introduced by britishers introduced by britishers in 18th century introduced by britishers in 18th century in 18th century by britishers in 18th century these crafts Supported growth of agro based industries, agro based industries, agro based industries, agro based industries, production of silk through silkworms, through silkworms, silkworms is known as sericulture sericulture s e r i culture first crop is a cotton cotton is known as a king of fibers king of fibers because of its production comma Lustre, L-U-S-T-U-R-E, softness. Production in a large scale or lustre, L-U-S-T-U-R-E. It is known as a king of fibers. Cotton generally produced in India in tropical and subtropical regions. Tropical and subtropical regions. Where high temperature, high temperature, high temperature and dry weather conditions prevail throughout the year, prevail throughout the year, prevail throughout the year. India is the second largest producer of cotton after china second largest producer of cotton after china after china after china cotton require cotton require deep black soils deep black soils deep black soils d w e p laksh kakkar d w e p look at here deep deep black soils are or क्या कह सकते हैं यस रायना Deep black soils are. What is another term given to such soils? Very good, girl. Very good. R e g u r. G u r. Regur soils. Regur soils. Regur soils. One question. Roll number twenty one. Who is the twenty one?

जहां लोअ रेनफॉल रिकॉर्ड होती है सर्फेस के ऊपर वी कॉल टू दैट प्रोसेस वेर क्रैक्स आर अपियड ऑन ड्यू टू द लोअ रेनफॉल परीक्षितॉपरली हांजी तब कहेंगे व्हेन द रेन हैज नॉट अकर टू आउट द ईयर और मोर देन द वन ईयर सूखा पड़ गया लैंड नो लीचिंग लीचिंग इज अ प्रोसेस व्हेन द वाटर एक्युमुलेटेड इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन नोबडी यस ग्रोवर यस फर्स्ट गर्ल क्या कहा आपने कैन यू स्पेल इट

It is generally produced in areas having the deep black soils. Second, 210 days of frost free weather conditions, 210 days of frost free weather conditions favorable for its production. Favorable for its production. Third, Done. Third, temperature. कहांपरेचर फेवरेबल टेम्परेचर 25 फाइव टू थर्टी डिग्री सेल्सियस 25 फाइव टू थर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेनफॉल रेनफॉल फिफ्टी टू एमीटर्स 50 टू 80 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल

harvest 2 to 3 years growing period of cotton bush is 8 months it means in 8 months it's ready for the harvest 8 months cotton produced in cotton produce in maharashtra महाराष्ट्र तेलंगाना नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका तमिलनाडु कॉटन प्रोडक्शन इन ट्रॉपिकल एरियाज़ ऑफ महाराष्ट्र तेलंगाना नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका तमिलनाडु तमिलनाडु कॉटन प्रोडक्शन इन टेम्परेट एरियाज़ Temperate areas, temperate areas of southwest, southwest Punjab, Southwest Punjab, preferably in Batinda, Mansa, Batinda, Mansa, Batinda, Mansa, and the 21st district of Punjab.

Fazilka, northwestern parts of Rajasthan, northwestern parts of Rajasthan, Rajasthan, northwestern parts of Rajasthan. Next, jute. Jute is known as a golden fiber because of its texture. गोल्डन फाइबर जूट इज द गोल्डन फाइबर यही हूं अभी